वेलकम टू एक किचन। कोफ्ता तो आपने काफी सारे खाए होंगे, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक के कोफ्ते। ये पालक के कोफ्ते खाने में काफी सॉफ्ट और टेस्टी होते हैं, तो आइए हम इस डिलीशियस कोफ्ता और इसकी ग्रेवी को बनाने की रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बंच फ्रेश पालक लिए हैं और इसे बिल्कुल अच्छे से धो लिए हैं। पालक को 2-3 बार अच्छे से धोकर ड्रेन करने के बाद अब हम इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। पालक को इस तरह से पकड़कर कट करना काफी इजी है। इस तरह से मैंने सारे पालक को काट कर रेडी कर लिए हैं। अब हम पालक को एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 कप बेसन, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा अजवाइन। अब हमें इन सबको हाथों से बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। हमें यहाँ पे पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। हम इसे इसी तरह से मसलते हुए 1 से 2 मिनट तक मिक्स करेंगे और पालक के पत्ते बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद आप देख सकते हैं कि पालक के पत्ते बिल्कुल सॉफ्ट होकर अच्छे से बाइंड हो गए हैं और ये हमारे बॉल्स बनाने के लिए डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ा सा डो लेकर इस तरह से इसके बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पे हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से हीट होने देंगे। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें एक एक करके पालक के कोफ्ते ऐड करेंगे। आप एक साथ ही सारे बॉल्स को बनाकर रख सकते हैं या एक एक करके भी बॉल को बनाकर तेल में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 7 बॉल्स ऐड किए हैं। तेल में डालने के बाद पहले हम इसे एक साइड से अच्छे से फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसे हल्का सा टर्न करेंगे। अब हम इसे दूसरे साइड भी अच्छे से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने देंगे। कोफ्ता को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अब हमारा कोफ्ता दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से ब्राउन और क्रिस्प हो गया है, तो अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा कोफ्ता का बॉल्स बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे इस तरह से पकौड़े की तरह भी खा सकते हैं। अब बाकी सारे बॉल्स को भी सेम इसी तरह से तलकर तैयार कर लें। अब हम चलते हैं बहुत ही इजी ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 टमाटर, जिसको कि मैंने इस तरह से स्लाइस में कर लिए हैं, 2 स्लाइस्ड ऑनियन, 1 हरी मिर्च और थोड़े से अदरक के टुकड़े। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लहसुन और थोड़े से भुने हुए मूंगफली। पालक के कोफ्ते में मूंगफली वाले ग्रेवी का टेस्ट काफी अच्छा आता है। अब हम इन सबको एक साथ ही ग्राइंड करके इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। हमने सारी चीजों को पीस कर तैयार कर लिए हैं। अब हमारा प्यूरी बिल्कुल रेडी है, इसे हम कोफ्ता की ग्रेवी बनाने के लिए यूज करेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सरसों, 1 टीस्पून जीरा और थोड़ा सा हींग। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता। सारे मसालों को अच्छे से ब्राउन हो जाने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी वाली प्यूरी जो हमने अभी तैयार किए थे। प्यूरी वाले सारे इंग्रेडिएंट्स कच्चे हैं, तो अब हमें इसे बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हमें इसे इसी तरह से भूनते हुए लगभग 5 मिनट तक फ्राई करना है। आप इसे फ्राई करते समय फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रख सकते हैं। अप्रॉक्स 5 मिनट के बाद ये थोड़े से ड्राई हो गए हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सब्जी मसाला और 1 टीस्पून किचन किंग मसाला। अगर आपके पास ये मसाले नहीं हों तो आप इसकी जगह जीरा, धनिया और काली मिर्च का पाउडर यूज कर सकते हैं। अब हम इन सबको वापस थोड़ी देर तक अच्छे से ड्राई होने तक भूनेंगे। अब ये पूरी तरह से भुनकर तैयार है। ये साइड से हल्का हल्का तेल भी छोड़ने लगा है। अब हम इसमें थोड़े थोड़े करके ऐड करेंगे पानी। अब ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग पानी की क्वांटिटी को एडजस्ट कर लें। पानी ऐड करने के बाद हम इसे चलाकर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। नमक और मसाले को मिक्स करने के बाद हम ग्रेवी को थोड़ी देर तक बॉयल होने देंगे। जब इसमें अच्छे से बॉयल आने लगे तो हम इसमें ऐड करेंगे पालक के कोफ्ते। कोफ्ता ऐड करने के बाद हम इसे 2 मिनट तक और बॉयल करेंगे ताकि बॉल्स अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। सबसे लास्ट में हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। अब हम एक प्लेट में कोफ्ते के बॉल्स को सर्व करेंगे और इसके ऊपर से थोड़ी ग्रेवी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा हेल्दी और डिलीशियस पालक कोफ्ता सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस कोफ्ते को आप रोटी, पराठा या चावल किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी एक बार इस पालक के कोफ्ते को बनाकर जरूर ट्राई करें। आप सबों को ये जरूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरे पालक के कोफ्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में ही एक चीज किचन को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।